क्यूरियस दोस्तों, आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स और उन्हें नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारे फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हो सकते हैं और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं 2, 3 बाय 4, माइनस 1 बाय 5 एटसेट्रा। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐप बनाएंगे जिसका नाम होगा प्लॉट रैशनल नंबर्स। तो ऐप बनाना स्टार्ट कर। ये ऐप सिर्फ एक स्टेप का है। इस स्टेप में हम ऐप के लिए यूआई बनाएंगे और रैशनल नंबर को इनपुट लेकर उसे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। पहले हम ऐप का यूआई ऐड करेंगे, फिर हम रैशनल नंबर को इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर की वैल्यू को स्टोर करेगा। इसके बाद हम डिनोमिनेटर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होगा। अब हम नमपैड को ऐड करेंगे ताकि यूजर्स रैशनल नंबर इनपुट कर पाए। एंटर रैशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा प्लॉट रैशनल नंबर्स। ये फंक्शन तब कॉल होगा जब यूजर प्लॉट बटन पर क्लिक करेगा। तो अब दो केसेस हो सकते हैं कि न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, मतलब फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, मतलब एंटर्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दो केसेस को हैंडल करने के लिए इफ एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे। अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से तो रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा नंबर लाइन पर। तो हम इस रीजन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सच दैट जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर की वैल्यू के इक्वल हो। फिर हम उस पार्ट को मार्क करते हैं जो न्यूमरेटर की वैल्यू के इक्वल हो। ऐसा करने के लिए हम यूज करेंगे ब्लॉक प्लॉट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बिटवीन 0 एंड 1। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो हमें रैशनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सके। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर कैलकुलेट करने होंगे। तो हम क्वेश्चन और रिमाइंडर नाम के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। अब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट करना है। तो हम क्वेश्चन वेरिएबल को सेट करेंगे यूजिंग न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू से, और रिमाइंडर वेरिएबल को सेट करेंगे यूजिंग रिमाइंडर जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर ऑब्टेन होगा। क्वेश्चन और रिमाइंडर सेट होने के बाद हमारे पास दो केस होंगे, या तो रिमाइंडर 0 होगा या कोई नॉन जीरो नंबर। तो इसके लिए हम एक इफ एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को प्लॉट करना होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर न्यूमरेटर 12 है और डिनोमिनेटर 6 है तो क्वेश्चन होगा 12 डिवाइडेड बाय 6 जो 2 होता है, और 6 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 होगा। हेंस 2 जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर लाइन पर प्लॉट होगा। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमारा रैशनल नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज करते हैं। सपोज न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 3 है, जो क्वेश्चन है वो 5 डिवाइडेड बाय 3 होगा विच इज 1 और रिमाइंडर 2 होगा। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन 1 2/3 होगा। हेंस हमारा रैशनल नंबर 5/3 1 क्वेश्चन और 2
क्वेश्चन प्लस वन के रीजन में लाई करेगा। फिर हम इस रीजन को डिनोमिनेटर की वैल्यू जितने दैट इज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर हम न्यूमरेटर की वैल्यू लेंगे दैट इज 2 और सेकेंड पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन दैट इज 1 को मार्क करेंगे। ये पॉइंट हमारे रैशनल नंबर 5/3 को मार्क कर देगा ऑन द नंबर लाइन। ऐसा करने के लिए हम यूज करेंगे ब्लॉक, प्लॉट रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर बिटवीन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन प्लस 1। तो आप जल्दी से स्टेप को कोड करके ऐप को कंप्लीट कीजिए और पब्लिश करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।